अज गल करांगे सब तो पहला शहीदां दे सरताज दी, बाणी दे जहाज दी, तन तन श्री गुरु अर्जन देव महाराज दी। तन तन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सुखमनी दे रचयिता ते हरिमंदर साहब दे सिरजनहारे। सो अज उन्हां दा शहीदी पुरब है ते सुखमनी इमीग्रेशन टीम वालों कोटान कोट प्रणाम। सो सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन टीम वालों मैं सतपिंदर भाटिया थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंसड कनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ। अज का वीडियो बहुत स्पैशल है क्योंकि अज दो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉज की गल कर लगे हाँ। पूरी डिटेल पूरा एनालिसिस शेयर करा। उस तो पहला छोटी जी रिक्वेस्ट, तुसी चैनल पर नवे हो, चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर दौ क्योंकि इस चैनल पर असी बहुत सारिया कनेडियन इमीग्रेशन दिया न्यूज़ अपडेट टिप्स ट्रिक्स थोड़ा शेयर करने हैं। थोड़ा जो वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ताकि उन्होंने भी बेनीफिट हो सके। बैल आइकन ना देना जरूर दबा दो, ये वीडियो उस वक्त थोड़े तक पहुँचता है जो असी अपलोड करने हैं। सो तुसी कैनेडा आना चाहते हो या थोड़ी कैनेडा वास्ते फाइल चल रही है, ये चैनल है जो तुसी सबसक्राइब करना है। सो बिना होर देर कितिया हो शुरू करने हैं अज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि दो इंपॉर्टेंट ड्रॉज की गल करेगा। सो पहला ड्रॉज जी गल करिए ते वो एक ऐसा प्रोविंस है जो सब तो छोटा प्रोविंस है लेकिन इमीग्रेशन पर बहुत फोकस है। केड़ा प्रोविंस है? सो वो प्रोविंस हैगा प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, सब तो छोटा प्रोविंस। अठवां ड्रॉ कढ़ रहा है, 8th PNP ड्रॉ कढ़ रहा है 2023 का। सो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड अगर तुसी मैप ते नू लभन जाओगे तो यकीन मनो तुसी मैप ते लभ नहीं पाओगे। कैनेडा एडा वड्डा है और एक छोटा जिहा प्रोविंस है, अटलांटिक दे विच दिखाई भी नहीं देता। सो मैं मार्क किया है एरो दे नाल, इत्थे मार्क किया है तुहाडे वास्ते, छोटा जिहा प्रोविंस आईलैंड है छोटा जिहा। सो बट इमीग्रेशन पर बहुत फोकस है। सो अगर इमीग्रेशन के फोकस की गल करिए तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड दे विच तीन तीन तरीके नाल तुसी आ सकते हो। पहला तरीका जो कि फैडरल रस्ते तुसी इत्थे आंदे हो तो आ सकते हो, दूजा तरीका PNP लैके आ सकते हो, और तीजा तरीका जो कि अटलांटिक इमीग्रेशन जो कि अपने आप च एक फैडरल प्रोग्राम है, अटलांटिक इमीग्रेशन के जरिए भी तुसी प्रिंस एडवर्ड आइलैंड आ सकते हो। सो तीन तरीके ने। अगर PNP की गल की जाए तो PNP दो हिस्सों च मोटे तौर पर वंडी हुई है इन्हों की, एक वर्कर स्ट्रीम है एक एंटरप्रन्योर स्ट्रीम है, दो स्ट्रीम ने वर्कर एंटरप्रन्योर। सो अटलांटिक की गल मैं थोड़ा ऑलरेडी दस चुका वा कि अटलांटिक के जरिए भी तुसी इत्थे आ सकते हो। अटलांटिक इमीग्रेशन च होर बाकी तीन अटलांटिक दे प्रोविंसेस भी आते हैं, सो जिन्हां विचों नोवा स्कॉशिया न्यूफाउंडलैंड लैबराडोर, सो ये उधर हैगे ने प्रोविंसेस ते वो भी इत्थे आते हैं। सो तुसी उन्हां दे जरिए अटलांटिक दे जरिए भी इत्थे आ सकते हो। हुण PNP दे ड्रॉ की गल करनी है। सो PNP दे ड्रॉ की अगर गल की जाए तो ड्रॉ की स्कैजुअल ये पहले ही थानू दे देंगे ने, हर महीने ड्रॉ कढ़ते हैं तो उहदी डेट थानू पहले ही दे देंगे ने, पोस्ट एक दो दिन बाद करते हैं। अगर डेट देखी जाए तो एक कल्ला ऐसा प्रोविंस है जो थानू डेट पहले दसता है कि मैं इस तरीक नू डेट नू ड्रॉ कढ़ांगा। और एक होर मज़ेदार गल है, हुण तुसी कहोगे महीना तो पंजवां चल रहा मई का तो ड्रॉ कढ़ता अठवां, ये अनस्कैजुअल ड्रॉ भी कढ़ते हैं, जिहड़ी डेट दित्ती है उस डेट पर ड्रॉ कढ़णगे ही कढ़णगे, लेकिन उहदे इलावा अनस्कैजुअल ड्रॉ भी कढ़दे ने। तीन अनस्कैजुअल ड्रॉ कढ़ चुके ने हुण तक, सो 5 ते 3 8 8 इन्हां दे ड्रॉ हो चुके ने PNP दे। ये 18 मई का ड्रॉ है जिहदी असीं अज गल करन लगे हाँ, पोस्ट दो दिन पहला ही होया। सो सारी डिटेल तुहाडा शेयर करते जाने हाँ। सब तो पहला PNP ड्रॉ दे विच किन्ने लोग बुलाए गए? सो 159 लोगों को बुलाया गया। तुसी नंबर देख के तुसी शायद सोचोगे कि नंबर थोड़ा है, 159 अगर नंबर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के हिसाब से देखा जाए जो कि इन्ना जे है उहदे हिसाब से नंबर बहुत बड़ा है। सो इहदे विच 156 लोग जिहड़े ने वो बुलाए गए ने एक्सप्रेस एंट्री दे विच कैटेगरी दे विच, बिजनेस इंपैक्ट कैटेगरी दे विच 3 लोगों को बुलाया गया, टोटल 159 लोगों को बुलाया गया। हुण अगली गल मैं थोड़े नाल स्नैपशॉट शेयर करन लगा वां। स्नैपशॉट का मतलब हुंदा है कि हुण तक अज दी डेट तक किन्ने लोग PNP दे थ्रू बुलाए गए। सो ये स्नैपशॉट है
डेट बाय डेट ड्रॉ बाय ड्रॉ सारी इनफॉर्मेशन थोड़े सामने इतनी हैगी है। सो ये 8 ड्रॉ हुए ने यह थोड़े सामने इनफॉर्मेशन है। टोटल 1224 लोगों हुण तक बुला लिता गया है। सो डेट बाय डेट 18 मई का ड्रॉ, 4 मई का, 20 अप्रैल का, इस तरह मार्च के महीने दो अनस्केड्यूल ड्रॉ किए इन्होंने। सो इस तरीके यह सारी इनफॉर्मेशन थोड़े सामने है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के ड्रॉ के बारे में। हुण मूव करने हैं एक होर प्रोविंस जिन्हें कि 5वां ड्रॉ कढ़िया है। सो 5th PNP ड्रॉ है सस्कैचुअन ने कढ़िया है 2023 का, और यह कोई छोटा ड्रॉ नहीं है, यह सैकेंड बिगेस्ट ड्रॉ है। सैकेंड बिगेस्ट ड्रॉ इन्होंने कढ़िया है 2023 का, सैकेंड बिगेस्ट ड्रॉ है। और सस्कैचुअन एक ऐसा प्रोविंस है जिदे विच काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं। सो वो अगर कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए PNP की कितनी कैटेगरी ने, तो मोटे तौर पर 3 PNP की कैटेगरी के सब कुछ वंडिया होया। सो पहली कैटेगरी अगर असी गल करिए तो सस्कैचुअन एक्सपीरियंस की है, वो लोग जिन्हों सस्कैचुअन रह के सस्कैचुअन का एक्सपीरियंस होया। सो सस्कैचुअन एक्सपीरियंस। दूजे है इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर, ते तीजे हर प्रोविंस एंटरप्रन्योर नू जरूर इनकरेज करता है, क्योंकि एंटरप्रन्योर जिहड़े ने वो जॉब्स पैदा करते हैं, एंटरप्रन्योर इकोनमी नू धक्का मारते हैं। सो इस करके हर प्रोविंस एंटरप्रन्योरस के वास्ते जरूर प्रोग्राम रखता है। इन्होंने भी रखे है एंटरप्रन्योर एंड फार्म। इतने फार्म की गल स्पेसिफिकली हो रही है क्योंकि जो सस्कैचुअन है ना उन ब्रेड बास्केट ऑफ कैनेडा किया जाता है, प्लेन लैंड है, पदरा प्लेन लैंड है, और इतने बहुत ज़्यादा कनक की खेती होंगी है। सो अगर यदि गल की जाए तो इस करके फार्म की भी इतने एक इमीग्रेशन होंगी है। सो एंटरप्रेन्योर एंड फार्म की कैटेगरी है। पहले थोड़ा मैं सस्कैचुअन एक्सपीरियंस क्लास दिखा देना, फिर मैं थोड़ा अगली गल दसना वा। सस्कैचुअन एक्सपीरियंस क्लास के देखा जाए तो वखरिया वखरिया कैटेगरीज ने। एग्जिस्टिंग वर्क परमिट किसी को है वो ये आता है क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस है सस्कैचुअन का। हैल्थ वाले हैल्थ प्रोफेसनल्स, यदि मैं पहले भी गल कर चुका वा, लोंग हॉल ट्रक ड्राइवर्स का यह प्रोग्राम चलाते हैं, लोंग हॉल ट्रक ड्राइवर्स स्टूडेंट्स वास्ते है। और लास्टली जिहड़ा हॉस्पिटैलिटी सैक्टर, हॉस्पिटैलिटी जिन्हें भी रिटेल चेन्स है ने, या जिन्हें भी रेस्टोरेंट या मोटल्स है, वह हॉस्पिटैलिटी की कैटेगरी के काउंट करा। सो ये कैटेगरीज ने सस्कैचुअन एक्सपीरियंस क्लास की। अगली जी इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर क्लास है। इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर क्लास के चार मेजर कैटेगरीज आदि ने। एक सस्कैचुअन एक्सप्रैस एंट्री। सो सस्कैचुअन एक्सप्रैस एंट्री की जिते गल होएगी उत्थे एक गल तुसी ध्यान रखनी है कि वह फैडरल दे फैडरल दे एक्सप्रैस एंट्री दे नाल टाइड अप है। सो फैडरल च थोड़ा एक्सप्रैस एंट्री च प्रोफाइल होना चाहिए, ताई सस्कैचुअन दी एक्सप्रैस एंट्री दी प्रोफाइल होएगी। सो इंप्लॉयमेंट ऑफर, उस तो बाद अगली हैगी है ऑक्यूपेशंस इन डिमांड, एंड लास्टली टेक टैलेंट। टेक टैलेंट इस ते मेरा एक स्पेसिफिक वीडियो है, तुसी नहीं देखिया तुसी जरूर देखो। जदों यह प्रोग्राम नवा आया सी मैं पूरी डिटेल एक्सप्लेन किया सी। टेक दे प्रोग्राम ओंटेरियो चलांदा है, एलबर्टा चलांदा है, BC चलांदा है, और सस्कैचुअन। सो चार प्रोविंस जिहड़े ने टेक्नोलॉजी के स्पेसिफिक प्रोग्राम्स चलांदे ने। असी अज जिहड़े गल्लां करन लगे हां वो दो कैटेगरीज ड्रॉ होया है, एक्सप्रैस एंट्री का ड्रॉ है और ऑक्यूपेशन इन डिमांड का ड्रॉ है। सो ये दो कैटेगरी का ड्रॉ है। आई होप कि हुण एटलीस्ट थोनों यह कलैरिटी हो जाएगी कि ड्रॉ आया कि कैटेगरी से। सो हुण ड्रॉ देखने। सो ड्रॉ की यह सिचुएशन है कि 18 मई में ड्रॉ आया, दो दिन पहला पोस्ट जरूर होया आया 18 मई में। सो 18 मई में एक्सप्रैस एंट्री के जो स्कोर है, हुण इत्थे तुसी कहोगे कि एक्सप्रैस एंट्री का स्कोर और यह जो मिनिमम स्कोर जो होंगे ना, इतने क्वालीफाइंग स्कोर भी थोड़ा चाहिए। उत्थे क्वालीफाइंग स्कोर जिहड़ा है वो सस्कैचुअन का 60 थोड़े कोल होना चाहिए। अगर नहीं है तो तुसीं क्वालीफाई नहीं करोगे सस्कैचुअन के प्रोग्राम्स वास्ते। सो सस्कैचुअन के प्रोग्राम्स वास्ते क्वालीफाई वास्ते 60 स्कोर चाहिए। ऑक्यूपेशन इन डिमांड 67 स्कोर सी,
बंदे बुलाए गए 260, एक्सप्रेस एंट्री दे विच 784 लोगों नू बुलाया गया। नंबर देखो 784, टोटल 1044 लोगों नू बुलाया गया। 1044 सेकेंड बिगेस्ट रॉय सस्कैचुअन दा मई 18। अगर हुण डेट बाय डेट और ड्रॉ बाय ड्रॉ गल कर लीती जाए जिन्हों की स्नैपशॉट कहते हैं, तो स्नैपशॉट थोड़े सामने यह हैगी है। अगर स्नैपशॉट से देखा जाए तो हुण तक सस्कैचुअन ने 4000 लोगों को बुला लिता है, टू बी प्रिसाइज 4066। सो 4066 लोगों को हुण तक बुलाया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के विच दो ड्रॉ किए ने, जनवरी शरण ने ड्रॉ कोई नहीं किया। सो ये डेट बाय डेट ड्रॉ बाय ड्रॉ इनफॉर्मेशन है थोड़े सामने। सो हर प्रोविंस अपनी थावे कोशिश करता है और हर बंदे नू हर प्रोविंस सूटेबल भी नहीं होंदा। तुसी अपना केस साढ़े नाल डिस्कस करना चाहते हो, तुसी अपॉइंटमेंट बना के गल कर सकते हो। साड़ा इको एक ऑफिस ब्रैम्पटन दे विच है, एड्रैस, ईमेल आई डी, फोन नंबर, सब कुछ इत्थे थोड़े नाल शेयर्ड है। बहुत जरूरी गल, चैनल तुसी हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर दिओ। साड़ी टीम बहुत मेहनत करके इस सारी इनफॉर्मेशन थोड़े तक लैके आती है। थैंक यू वेरी मच for watching the video. Thanks.